शानजे शानी को कहती है कि काफ़ी दिनों से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे पता है कि तुम नादिया की वजह से टेंशन ले रहे हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि सारा कुछ मेरे ज़िम्मे, क्योंकि वो भी मेरी बहन है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और ना ही कोई किसी से उधार या कर्ज़ा लेना है। मैं सारा कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगी। आगे से आप देखेंगे कि शानी कहता है कि नहीं, मुझे आपके और ज़्यादा एहसानात नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने पहले भी अच्छी खासी रकम उसको शॉपिंग में लगा दी, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं ये चीज़ पसंद नहीं करूँगा। इस पर आप देखेंगे कि शानजे गुस्से से कहती है कि फिर तुमने मेरी दोस्ती का मान तोड़ा। तुमने तो वादा किया था कि तुम दोस्ती निभाओगे, तो फिर तुम बार बार इस तरह की बातें क्यों करते हो? तुम अपनी माँ से भी जाके कहते ना कि जो कुछ करूँगी मैं ही करूँगी। अगर उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी समझा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सारा कुछ खुद ही हैंडल करूं। इसलिए अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और ख़ास तौर पर तुम्हें नादिया आपी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उनकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेती हूं। जिस पर शानी कहता है कि आप क्यों हर बात पर ज़िद करना शुरू कर देती हैं, मैं आपकी ज़िद के आगे आपको पता है हार जाता हूँ। आगे से शान से कहती है कि अगर तुम मेरी ज़िद के आगे हार जाते हो, तो फिर बार बार मुझसे ज़िद करते ही क्यों हो।